नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम राज एसोसिएट्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 3 BHK लेके आए हैं, जिसका यूजेबल एरिया 85 यार्ड्स रहने वाला है। उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको द्वारका मोड़ मिलता है। फ्रंट में आपको इसके साथ 25 फुट का रोड मिलता है। इसके साथ आपको एक कार पार्किंग और एक बाइक पार्किंग मिलती है। इसके लेआउट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्रेंस होने वाली है। एंटर करते ही ये आपका ड्रॉइंग एरिया तैयार किया गया है। इस साइड से आपका एक पहला बेडरूम आता है। इस साइड से आपका एक बहुत ही लंबा पैसेज तैयार किया गया है। यहाँ पे आपका किचन है। इसके बाद ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, ये हमारा दूसरा बेडरूम और ये हमारा तीसरा बेडरूम है, जिसके साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने ड्राइंग एरिया से। तो यहाँ पे आपको 5 सीटर सोफा यहाँ पे मिलता है और 2 वहाँ पे आपको उस साइड से पफीज मिलने वाले हैं। बीच में बहुत ही बड़े एरिया में आपको कॉफी टेबल मिलता है। मूवेबल एरिया यहाँ पे अच्छा खासा रखा गया है। बैक वॉल की बात करें तो पीछे आपको वॉलपेपर से डिजाइन मिलता है। 2 डिजाइन आपके वॉलपेपर से रहने वाले हैं। ये पूरा आपका मोल्डिंग्स का वर्क है। दोनों साइड से आपको 2 लैंप्स मिलते हैं। ये आपका पूरा मिरर वर्क किया गया है एल शेप में, जिसके अंदर आपको प्रोफाइल लाइट्स का भी वर्क मिलता है। यहाँ पे आपको एसी की वायरिंग मिलती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो बहुत ही प्यारे लुक में आपका क्रीम एंड व्हाइट लुक में फॉल सीलिंग तैयार किया गया है, जिसके बीच में आपको बहुत ही एक बड़ा सा खूबसूरत सा सैंडलर भी देखने को मिलता है। इसके बाद इस साइड से आपका एक बड़े एरिया में लोअर से डिजाइन दिया हुआ आपका टीवी पैनल तैयार किया गया है, जिसके नीचे आपको 3 स्टोरेज एरिया भी मिलते हैं। उधर भी आपको डेकोरेशन के लिए एरिया मिलने वाले हैं, जिसके अंदर डेकोरेशन रखी गई है। पूरा का पूरा फ्लैट बुद्धा जी के थीम पे यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही बड़ी यहाँ पे मोल्डिंग लगाई गई है बुद्धा जी की। इस साइड से कुछ डेकोरेशन यहाँ पे लगाई गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो ये हमारा है ड्राइंग एरिया। तो चलते हैं सबसे पहले अपने बेडरूम की ओर। तो ये हमारा पहला बेडरूम रहने वाला है, जिसके अंदर स्पेस बहुत ही अच्छा मैनेज किया गया है। 85 स्क्वायर यार्ड्स में आपका ये यूजेबल एरिया तैयार किया गया है। बेड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको बेड एंड बैक की कुशनिंग दोनों सेम टेक्सचर में, सेम कलर में, ब्लूइश ग्रीन कलर में तैयार की गई है। पीछे आपको स्ट्रिप्स से डिजाइन दिया जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको एसी की वायरिंग मिलती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर ऑफ फॉल सीलिंग तैयार की गई है। ये आपका क्रीम एंड व्हाइट लुक में बनाया गया है। इसके ठीक सामने आपको यहाँ पे अगेन सेम डिजाइन में, जैसा ड्राइंग एरिया में था, ऐसा आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिलता है। नीचे आपको 2 स्टोरेज स्पेसेस मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के, और इसी के ऊपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी जाती है। ये आप यहाँ पे अपना मिरर लगा सकते हैं। आप इसे अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं, जिसके नीचे आपको ड्रॉअर भी मिलते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको इस साइड से भी विंडो मिलती है, एक नेट वाली विंडो मिलती है। इसके बाद आपको एक ग्लास वाली भी विंडो दी जाती है। इसके ऊपर भी आपको स्पेस मिलता है। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। इसके बाद चलते हैं अपने किचन की ओर। तो ये पैसेज यहाँ पे आता है, जिसमें सबसे पहले हमारा किचन आने वाला है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पेस मैनेज किया गया है। फ्रिज की स्पेस यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे अपना फ्रिज प्लेस करेंगे। एल टाइप का आपका किचन है। नैनो स्लैब यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे ग्लास पार्टीशन भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। अपर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके के आपके अपर कैबिनेट्स रहने वाले हैं, और ये वाले कुछ आपके ग्लास वाले अपर कैबिनेट्स हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे सेंसर वाली चिमनी दी जाती है। लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके के आपके लोअर कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर सॉफ्ट चैनल का यूज किया गया है। तो इस तरीके से आपकी चिमनी बंद हो जाएगी। फॉल सीलिंग आपका यहाँ पे किया गया है बहुत ही अच्छे, और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा यहाँ पे सैंडलर भी लगाया गया है। तो इस तरीके से हमारा किचन एरिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम आने वाला है। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग टॉप जग्वार कंपनी के यहाँ पे होने वाली है। तो इस साइड से राइट हैंड साइड में आपका दूसरा बेडरूम आता है, जिसके अंदर स्पेस बहुत ही अच्छा मैनेज किया गया है। यहाँ पे आपकी अगेन बेड में एंड कुशनिंग में सेम टेक्सचर कलर ब्राउन रखा गया है। अगेन स्ट्रिप्स आने वाली है। टॉप से लेकर बॉटम तक की कुशनिंग करी गई है। इस साइड से आपको वार्डरोब सेक्शन मिलते हैं। तो ये आपके स्लाइडिंग वार्डरोब है, जिसके ऊपर भी आपको स्टोरेज एरिया दिए जाते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो 3 लेयर ऑफ बहुत ही प्यारा सा आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है। व्हाइट लाइट है, इसके बाद आपका पिंक लाइट है, इसके बाद आपका येलो लाइट दिया गया है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना मिरर लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्पेसेस मिलते हैं, और नीचे भी आपको 2 स्टोरेज स्पेसेस मिलने वाले हैं। इसी के ऊपर आपको एसी की वायरिंग भी दी जाती है। तो इस पूरे एरिया में आप अपना एसी फिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका टीवी पैनल आने वाला है, जिसके अंदर पूरा का पूरा वुडन का काम किया गया है, और नीचे आपको इसके 2 स्टोरेज स्पेसेस भी दिए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है। इसके बाद लास्टली हमारा बसता है तीसरा बेडरूम, जिसके साथ आपको बैल्कनी का एक्सेस मिलता है। तो स्पेसेस कुछ इस तरीके से आपके रखे गए हैं। यहाँ पे आपकी ब्लैक थीम रखी गई है, ब्लैक कलर का बेड, ब्लैक कलर की बेडशीट एंड ब्लैक कलर की यहाँ पे कुशनिंग करी गई है। टॉप से बॉटम तक अंदर स्ट्रिप्स का डिजाइन दिया गया है। फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही एक अच्छे लुक में, डिजाइनर लुक में आपको फॉल सीलिंग मिलता है। बेड के ठीक सामने आपका यहाँ पे अगेन वुडन टेक्सचर में टीवी पैनल होने वाला है, जिसके अंदर ग्रे पेंट किया गया है। इस साइड से आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं। नीचे भी आपको दो ड्रॉर्स मिलने वाले हैं। इस साइड से आपको यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड से स्पेसेस मिलते हैं। अपने आप जाके ये बंद भी हो जाते हैं। इसके ऊपर भी आपको दो स्टोरेज स्पेसेस मिलने वाले हैं। इसी के बाद वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, जिसमें आपका नेट का भी विंडो लगाया गया है और ग्लास वाली भी विंडो लगाई गई है। इसके ऊपर आपको विंडो एसी के लिए स्पेस मिलता है और यहाँ से आपको बैल्कनी का एक्सेस मिलता है। तो फ्रंट साइड से ये मैं आपको 3 BHK दिखा रहा था, जिसके फ्रंट में आपको 25 फुट का रोड मिलता है। ग्रिल की हाइट आप देखेंगे 4 फुट की हाइट की यहाँ पे आपकी ग्रिल लगाई गई है। टाइल का वर्क आपको टॉप तक का मिलने वाला है और ऊपर भी आपका वुडन टेक्सचर से लोअर से डिजाइन दिया गया है। तो 2 और लाइट्स भी लगाए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा बेडरूम है। तो कैसा लगा है फ्लैट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। की फीचर्स की बात मैंने स्टार्टिंग में ही कर दी है, रिवाइंड कर दूं तो इसके साथ आपको कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, फ्रंट में आपको 25 फुट का रोड मिलता है, नियर बाय इसका मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ है, 3 BHK है, 85 स्क्वायर यार्ड्स में आपका यूजेबल एरिया रहने वाला है। फ्रंट साइड से आपको मैंने 3 BHK आपको दिखाया है। 90% तक की लोन की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।